नमस्कार। देश में अमन चैन और खुशहाली की कामना को लेकर समाज सेवी अमित गुप्ता उर्फ बबलू ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी स्वर्गीय माता कुसुमलता की याद में मंगलवार को रानी की सराय रानी पोखरा पर बने दुर्गा मंदिर पर इलेक्ट्रॉनिक घंटा लगवाया। इलेक्ट्रॉनिक घंटा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। व्यापार मंडल उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी अमित गुप्ता और बबलू के साथ चल रहे लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रानी की सराय रानी पोखरा पर बने दुर्गा मंदिर पहुंचकर दुर्गा माता को अपनी स्वर्गीय माता कुसुमलता की याद में इलेक्ट्रॉनिक घंटा अर्पित किया। दुर्गा मंदिर के पुजारी विजय ने पूजा अर्चना कर समाज सेवी अमित गुप्ता और बबलू एवं समस्त परिवार के साथ आए हुए सभी बाजार वासियों को आशीर्वाद दिया। ये बताइए कि आज ये लगता नहीं घंटा मंदिर लगाए दुर्गा जी के मंदिर पे किस उपलक्ष में लगाए हैं? उपलक्ष्य मैं अमित कुमार गुप्ता और बबलू रानी खाना रेलवे स्टेशन रोड से, और ये घंटा जो है मेरी माता जी की याद में लगाया गया है। माता जी मेरी इंस्पायर हो गई थी, उनकी दिली इच्छा तमन्ना थी कि ये घंटा यहाँ लगवाया जाए इलेक्ट्रॉनिक, और उन्हीं की याद में ये इलेक्ट्रॉनिक घंटा यहाँ लगवाया गया है। और सब माता रानी की कृपा है जिस वजह से ये आज काम पूरा सफल हुआ। रानी की सराय रेलवे स्टेशन मोड़ से प्रारंभ होकर रानी की सराय बाजार होते हुए रानी पोखरा पर बने दुर्गा मंदिर पर पहुँचा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यापार मंडल उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी अमित गुप्ता और बबलू ने अपने धर्मपत्नी किरण गुप्ता एवं परम पूजनीय पिता श्री दुर्गा प्रसाद परिवार के साथ माँ शेरावाली को चुनरी भेंट कर आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को प्रसाद वितरण कर आशीर्वाद लिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष रानी की सराय, हमारे मित्र अमित कुमार गुप्ता माता जी की याद में इलेक्ट्रॉनिक घंटा माता जी के मंदिर रानी के पोखरे दुर्गा जी के मंदिर पर लगाया गया। इस अवसर पर अवनीश अभय आजाद गुप्ता, समाज सेवी अजय कुमार सैनी, शारदा प्रसाद जायसवाल, पुनीत जायसवाल, मनोज गुप्ता, सेठवल से प्रधान पद के प्रत्याशी दिलीप जायसवाल, राजू शर्मा, अम्बुज गुप्ता, संतोष नरेंद्र मध्यसिया, संजीव गुप्ता, आनंद जायसवाल, संदीप गुप्ता, संजीव साहू, हरिराम गुप्ता, चंदन गुप्ता, सुभाष, जय क्रांति गुप्ता, महेश वर्मा, पूनम, पूजा, सीमा, चंदा गुप्ता, प्रियांशी, अनन्या गार्गी एवं समस्त रेलवे स्टेशन मोहल्लेवासी लोग शामिल रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज के लिए वीरेंद्र कुमार सरोज की खास रिपोर्ट।